आज से शुरू हो रहा संसद का मॉनसून सत्र, ईंधन की कीमतों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस का स्थगन प्रस्ताव। देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 38,000 नए मामले, 500 से कम हुई मौत। सीएम योगी का निर्देश, 3% पॉजिटिविटी दर वाले राज्यों से यूपी आने वालों को लानी होगी निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, यूपी में भाजपा हताश व निराश, लोगों को बहकाने की रणनीति बना रहा है संघ। यूपी के संभल में आगरा मुरादाबाद हाईवे पर बारातियों से भरी बस में जग्गा मार बस मारी टक्कर, 7 की मौत, वहीं 10 लोग हुए घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। अब बात कर लेते हैं रफ्तार के कहर की। जी हां, आज का दिन रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यूपी के 3 अलग अलग जिलों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा सड़क हादसा संभल में हुआ है। जी हां, मुरादाबाद के आगरा हाईवे पर बारातियों से भरी बस में ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरा सड़क हादसा कासगंज में हुआ। यहां दुल्हन की विदाई कराकर लौट रहे दूल्हे की कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि दूल्हा और दुल्हन समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीसरी तस्वीर रायबरेली जिले की है। यहां सलोन कोतवाली क्षेत्र के रायबरेली प्रतापगढ़ राजमार्ग पर बाइक सवार 2 युवक खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में जा भिड़े, जिसमें मौके पर ही 1 की दर्दनाक मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भीषण सड़क हादसा की खबर ये सामने आई है। पहली तस्वीर हम आपको संभल से दिखा रहे हैं, जबकि दूसरी कासगंज और तीसरी तस्वीर रायबरेली से। तो सबसे पहले संभल से हमारे संवाददाता मुबारक अली जुड़ चुके हैं। तो मुबारक, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की ये जो घटना सामने आई है भीषण सड़क हादसे की, क्या कुछ पूरा मामला है? आपको बता दो, जनपद संभल के थाना बैजी धान क्षेत्र का जो बारात की बस आ रही थी उसमें और रास्ते में पंचर हुआ था। पंचर होने के बाद में 8 लोग घायल हो गए, 7 लोगों की मौत हो गई है। और दूसरी तरफ सीएससी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, पुलिस रेस्क्यू में लगी पड़ी है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची थी वहां पे। जी, जो लोग बताया जा रहा है गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। अगर वहाँ की बात की जाए मुबारक, तो क्या कुछ स्थिति सामने आ रही है? इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। और अभी पूरा उसमें पता नहीं चल पा रहा है जो उसमें क्या उनकी इलाज के लिए क्या मदद की जाएगी। और वहां पे प्रशासन घटना स्थल पर मौजूद है और 2 की ज्यादा गंभीर हालत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुबारक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संभल से हमारे संवाददाता मुबारक जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मुरादाबाद आगरा हाईवे पर बारातियों से भरी बस में ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। और आपको बता दें कि इस हादसे में करीब 7 लोगों की मौत हो गई है। पहली तस्वीर ये संभल से आपको दिखा रहे हैं और दूसरी कासगंज की तस्वीर सामने आ रही है जहां पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। वहीं तीसरी तस्वीर की बात की जाए तो रायबरेली से यह तीसरा मामला सामने आया है जहां पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो कासगंज की अगर बात की जाए तो यहां पर सड़क हादसे के दौरान दुल्हन की विदाई कराकर लौट रहे दूल्हे की कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दूल्हा और दुल्हन समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि तीसरी भी जो तस्वीर सामने आ रही है वो रायबरेली जिले की है। यहां पर भी सलोन कोतवाली क्षेत्र के रायबरेली प्रतापगढ़ राजमार्ग पर बाइक सवार 2 युवक खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ गए, जिसमें मौके पर 1 की दर्दनाक मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो ये 3 जिलों से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। यूपी के 3 अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर संभल, कासगंज और रायबरेली की बात करें तो ये भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है। आज का दिन रफ्तार का कहर कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये भीषण सड़क हादसे हुए हैं, काफी भयानक हादसे हुए हैं। 3 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर पहले संभल की बात की जाए
तो वहां पर भी एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, साथ ही कासगंज और रायबरेली में भी ये सड़क हादसे की तस्वीरें देखने को मिली है। वहीं रायबरेली से हमारे साथ हमारे संवाददाता ओमशंकर जुड़ चुके हैं, तो ओमशंकर जी आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, जिस तरह से ये भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें जो सामने निकल कर आई हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए हाईवे पर ये मोरंग गिट्टी बेचने वाले कहीं ना कहीं अपनी मोरंग और सामान बेचने के चक्कर में अतिक्रमण किए हुए होते हैं, वही ट्रालियों से लाद कर दूसरे जगहों पर भेजा जाता है। वही में दो बाइक सवार लड़के जा रहे थे और ट्राली खड़ी होने के कारण वो अनियंत्रित होकर खड़ी ट्राली में घुस गए, जिससे एक लड़के की वहीं पर मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जी ओमशंकर जी, सर बताया कि जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए उनका इलाज भी अस्पताल में जारी है, अगर वहां की स्थिति की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति सामने आ रही है? हाँ, जो गंभीर रूप से घायल है उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसका इलाज चालू है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अतिक्रमणकारी जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक इस तरह की घटनाओं पे लगाम लगाना पाना मुश्किल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओमशंकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूपी के अलग अलग जिलों की, जहां पर भीषण सड़क हादसे की ये खबरें सामने आ रही है। करते हैं अगली खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ अब अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वालों को लेकर बेहद गंभीर हैं। सीएम का सख्त निर्देश है कि 3% पॉजिटिविटी दर से अधिक वाले राज्यों से यूपी आने वाले लोगों को अपनी निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लानी होगी। इनमें जहाज के साथ ट्रेन और सड़क मार्ग से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वालों पर सख्ती की जाएगी। सीएम का सख्त निर्देश है कि सिर्फ 4 दिन पहले ही कोरोना निगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाने के बाद ही यूपी में प्रवेश मिलेगा। 4 दिन से अधिक पुरानी रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर एयरपोर्ट के साथ रेलवे स्टेशन और अन्य राज्यों से सड़क मार्ग से जोड़ने वाले बॉर्डर पर भी सख्ती बढ़ा दी है। साथ ही हाई कोविड पॉजिटिविटी दर वाले राज्यों से आने वालों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी की जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्ता फिसलती देख भारतीय जनता पार्टी हताश और निराश है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक माह में चित्रकूट, वृंदावन और लखनऊ में बैठकें हुई। इनका एजेंडा ऐसी रणनीति बनाना है ताकि किसानों व बेरोजगार नौजवानों से किए गए वादों को भुलाया जा सके। लोगों को बहकाने के लिए नए नए तरीके ढूंढने जा रहे हैं। साथ ही साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 4.5 साल की सरकार में भाजपा के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। हवाई वादों और कागजी सफलताओं के प्रचार से जनता अब उब चुकी है। भाजपा का मात्र संगठन इन हालात से चिंतित है और चिंतन मनन में जुटा हुआ है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। भाजपा ने जो वादे किए थे वे सभी धूल झाड़ रहे हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में डीएम डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया की ईंट का भट्टा चलाने वाले लोग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। डीएम ने जिले में अवैध रूप से संचालित 29 अवैध ईंट भट्टों को बंद कराने के एसडीएम को निर्देश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी भट्टे उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के बिना सहमति प्राप्त किए चलाए जा रहे थे। साथ ही डीएम ने इसकी रिपोर्ट भी 3 दिन के अंदर तलब की है। वहीं अगली खबर आगरा से है, जहां पर जर्जर हो चुकी सड़क की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई। ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र की कई सड़कें जर्जर हो चुकी हैं और वहां जलभराव की स्थिति, शिकायतों के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं की जाती है। गाँव के पास तालाब के ओवरफ्लो होने से मुख्य सड़क पर पानी भर जाता है। घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। उनका कहना है कि इसे जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। वहीं रायबरेली जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त दिखाई दे रही है। दरअसल बेखौफ बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली लगने से युवक बुरी तरह से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि मामूली चुनावी रंजिश से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहां पर घायल युवक ने पुलिस को 4 नामजद युवकों पर इस घटना का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में लगातार जुटी हुई है।
आईटीआई मॉडल साहब में हमने एसी लगाया था, उसका पैसा लेने गए थे, तो पुरानी हमारी अनूप हमारे मित्र हैं अनूप यादव, चुनावी रंजिश थी उनसे हमको, किसी के कहने पर या मुखबरी पर उन्होंने आज सटीक 15 ही मिनट बाद आके तुरंत हमारे ऊपर चार फायर किया। रिंकू यादव नाम है उनका, मलिक मुकवैन, उनका एक भाई भी था, एक गोली हमारे यहाँ लगी, चार उनकी गोली नहीं लग पाई और सर से बोतलों पर वार किया और पिस्टल की बेट से वार किया। एक मोहम्मद अनीस करीब 26 साल एज का रहने वाला बड़ा घुसियाना का है, जो अभी उसके सर पे चोट लगी है, राइट शोल्डर पे चोट लगी है, प्लस गर्दन के पीछे चोटें लगी हैं। उसके साथ जो लाने वाला अनूप यादव, उसने यही बताया कि आईटीआई के पास उसको किसी ने फायर आर्म इंजरी किया और उसके बाद से उसको गन के फायर आर्म से बट से मारा गया है। बाकी चोटें सर पे आई हैं, जो गर्दन पे लगी है वो फायर आर्म की लगभग लग रही सस्पेक्टेड में है, जिसको एडमिट मैंने कर दिया। एडमिट करने के बाद से हमारे सर्जन साहब देख रहे हैं, देखने के बाद से अब जांचें हो रही हैं, जांच में जैसा निकलेगा वैसा हो सकता है उसे बताया जाएगा, उसे रेफर किया जाएगा उसको। ये थाना मलेरिया क्षेत्र में शिवाजी नगर के पास एक मॉडल शॉप है, ये घटना वहीं की है और वहाँ पर अनीस नाम के एक व्यक्ति, उन्होंने सूचना दी कि उनको रिंकू यादव और कुछ अन्य लोगों ने इसे मारपीट हुई है और रिंकू यादव ने उनको गोली भी मार दी है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर मलेरिया और बाकी फोर्स और फोरेंसिक साइंस की टीम वहां पहुंची और उसने घटनास्थल का निरीक्षण। वहीं कानपुर देहात में दरोगा द्वारा महिला से हुई अभद्रता का मामला अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के जिला इकाई के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता पीड़ित महिला के घर पहुंचे। इस दौरान सपा प्रतिनिधि मंडल ने महिला और परिजनों से बात कर महिला और परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। सपा नेताओं ने पुलिस के कृत्य की निंदा की और ऐसे पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। दुर्गदासपुर में कल 17 तारीख को शिवम की माता जी के साथ चौकी इंचार्ज पुखराया महेंद्र सिंह पटेल द्वारा मारपीट की गई, दुर्व्यवहार किया गया, यहाँ तक कि उसको पटक के गिरा दिया और उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़ के सब पूरे उसके अंग भंग किए। इससे ज़्यादा निंदनीय और कोई घटना नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी उसकी घोर निंदा करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अखिलेश जी ने भी इस घटना को संज्ञान में लिया है और समाजवादी पार्टी जो अभद्रता पूरे प्रदेश और देश ने देखा है, ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है और महिलाओं के साथ ऐसा सलूक कर रही है, ये आप सबसे छिपा नहीं है। ऐसा घृणित कार्य किया है माननीय चौकी इंचार्ज जी ने, जो आज पूरे देश ने देखा है। समाजवादी पार्टी शांति से नहीं बैठेगी। मैं चौकी इंचार्ज के नंबर और बर्खास्त की मांग करता हूँ। वहीं सोनभद्र की शक्तिनगर ग्राम पंचायत चिल्का डान में एनसीएल एनटीपीसी के सीएसआर के तहत लाखों रुपए की लागत से बने लगभग कई आरओ प्लांट महज शोपीस बनकर दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 3 सालों से ये सभी आरओ प्लांट खराब चल रहे हैं और ग्रामीण हैंडपंप का गंदा पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायत के पैसों का दुरुपयोग करके अधिकारियों द्वारा ये इस तरह का कार्रवाई की गई है। वहीं एनटीपीसी एनसीएल के अधिकारियों का ये कहना है कि मामले को संज्ञान में आने के बाद विभागीय अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, जल्द से जल्द आरओ संचालित किया जाएगा। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि पूर्व से ही ज्ञात है कि जब से आरओ लगे तो कुछ माह जो है ठीक ठाक चले हैं, इसके बाद से 2-3 साल से आरओ जो है बंद पड़े हुए हैं और अभी एनटीपीसी और एनसीएल की उदासीनता के चलते जो है लोगों को मजबूरन जो है गंदा पानी पीना पड़ रहा है, जिसके वजह से उनको तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। आपको भली भांति ज्ञात है कि यहाँ के पानी में पारा, आर्सेनिक और इस सब के कारण जो है कि यहाँ विकलांगता भी बढ़ रही है, नपुंसकता और ब्रेन हेमरेज, कई तरह की बीमारियाँ आपको भली भांति आपको ज्ञात है। इस संबंध में जो है कि मैं आपके माध्यम से मुझे संज्ञान में प्राप्त हुआ है और मैं जल्द ही इनको जो है पत्र जारी करके इस जल्द से जल्द बनवाने के लिए इनको। वहीं औरैया में तेज गति से एक कार ने एसओजी फोर्स की कार में पीछे से टक्कर मार दी। हादसा काफी भयावह था, लेकिन गनीमत रही कि किसी भी तरह की जानमाल की हानि नहीं हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस कार ड्राइवर को युवक को थाने में ले गई और आगे की जांच में लगातार पुलिस जुटी हुई है।
वहीं मैनपुरी में 40 साल पहले हत्या कर फरार चल रहा आरोपी यतेंद्र त्रिपाठी आखिरकार पुलिस के हिरासत में है। आपको बता दें कि आरोपी ने 1968 में जमीनी विवाद को लेकर 4 लोगों की हत्या की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए 1981 में मैनपुरी कोर्ट ने सुनवाई की और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तभी से आरोपी फरार चल रहा था और लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में पहचान छुपाकर अपने परिवार के साथ रह रहा था, लेकिन आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जिसकी जानकारी सीओ अमर बहादुर ने थाने पर वार्ता करके दी। साथ ही आरोपी को पकड़ने वाली टीम को भी बधाई दी गई है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।